नमस्कार, आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में जो फूल गोभी का हम नर्सरी तैयार करेंगे उसके बीज के बारे में, उसके बीज के वैरायटी के बारे में। तो मेरे पास है टोकिता का TSX 107। ये मार्केट में 107 के नाम से जाना जाता है। टोकिता एक नई कंपनी है लेकिन अच्छी कंपनी है, इसलिए आपको इसका बीज हम रिकमेंड कर रहे हैं। अब बात करें इसका उपज के बारे में, तो इसका उपज होता है, औसतन उपज है 1 किलो से लेके 1 किलो 200 ग्राम तक। ये जुलाई अगस्त सेगमेंट के लिए काफ़ी अच्छी बीज है। ये बीज बरसात के मौसम के लिए जैसे हम बता रहे हैं तो जुलाई अगस्त में ही गिरता है, तो ये बीज 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक गिरता है। और इसमें एक खासियत यह है कि जितना बरसात के मौसम की जो वैरायटी होती है उसका औसतन उपज 700 ग्राम से 800 ग्राम होता है, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम इस तरह से होता है। लेकिन इसका औसतन उपज 1 किलोग्राम से लेके 1 किलो 200 ग्राम तक होता है, इसलिए मेरे हिसाब से ये बीज बहुत अच्छी बीज है। दूसरा इसका खासियत यह है कि ये बहुत सस्ती है। दूसरा बीज के वैरायटी से मुताबिक इसका बीज, इसका दाम बहुत कम है। इसका प्राइस रेंज वेरी करता है, वो 425 से लेके 525 तक मिलता है मार्केट में। हमारे यहाँ बिहार में अगर बात करें बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में, तो ये 425 से लेके 525 में मिलता है। कभी बीज का स्कार्सिटी होने की वजह से तो दाम हाई वेरी करता है, लेकिन अगर जनरली अवेलेबल है मार्केट में तब वही 425 से 450 के आसपास आपको मिल जाएगा। अब बात करें कि इसे कवर कितना होगा। इसमें जो पैकिंग होती है वो 10 ग्राम का पैकिंग होता है। एक पैकेट से लगभग 2 से 2.5 कट्ठा कवर होगा। एक पैकेट में पूरे 2000 काउंट बीज रहता है। लेकिन आपको 2 कट्ठा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ बीज सूख जाता है, गल जाता है, बहुत बारिश हो गई तो गल जाएगा, धूप कड़ा हो गया तो सूख जाता है। और अगर स्क्वायर फीट में बात करें तो 3000 से 3200 स्क्वायर फीट इसमें कवर होता है एक पैकेट से, जो 10 ग्राम का पाउच होता है उससे 3000 से 3200 स्क्वायर फीट। एक बार फिर आप देख लें टोकिता TSX 107 अच्छे से देख लें इसको। इस तरह अगर आपको ये बीज लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये इसका कार्टून दिखा दें तब आपको बीज मिल जाएगा। अब बात करें कि बीज गिराएं कैसे। अगर आप सीडिंग ट्रे में गिरा रहे हैं तब तो और अच्छा है कि उसमें अपने हिसाब से रख सकते हैं, उठा के यहाँ से वहाँ कर दें, अधिक धूप है तो, बारिश हो रहा है तो भी रख दें। लेकिन अगर आप ज़मीन पे दे रहे हैं तो ज़मीन पे थोड़ा हाइट पे दें, ज़मीन का लेवल अगर ये है तो थोड़ा ऊंचा करके दें ताकि जो बारिश होगा तो उसका सारा पानी नीचे बह जाएगा। पानी अगर बेड पे नहीं लगेगा तो स्वाभाविक है बीज अच्छी तैयार होगी, बीज अच्छा तैयार होगा। और धूप हो जाता है, धूप की वजह से कुछ बीज गलता है, तो आप क्या करेंगे, हाइट पे रहेगा तो इसका दिक्कत नहीं है, आप झरना से पानी दे देंगे उसमें। बस ये ध्यान देना है कि झरना से पानी उसमें मतलब एक रेगुलर इंटरवल पर देना है, मतलब ये नहीं कि आज दे दिए 2-3 दिन बाद छोड़ दें, लगातार उसमें एक नियमित रूप से उसमें पानी हम गिराएंगे ताकि मतलब अगर सूख जाए तब उसमें उस हिसाब से पानी देना है। बेड को सूखने नहीं देना है, नमी बनाए रखना है। और अगर बारिश हो रहा है तो आप ऊपर से नेट से कवर कर दें क्योंकि डायरेक्ट जो बारिश का जो बूंद गिरेगा, भारी बूंद, वो बीज को नुकसान ना करते। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल खेती घर को सब्सक्राइब ज़रूर करें।